दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह द्वारा एक समागम में सिखों के धार्मिक जयकारे को पूरी तरह से उच्चारण ना कर पाने पर सिख धर्म से जुड़ी अलग अलग सिख जत्थेबंदियों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। सिख जत्थेबंदियों ने सरना द्वारा दिए गए बयानों का समर्थन करते हुए राजनाथ सिंह से माफी मांगने को कहा है। अगर उसने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु की फतेह कहने से के लफज कट किया गया है तो मैं समझता कि इतने बड़े बंदे को नहीं सी निकलनी चाहिए थी। पर उस दे ले बड़ा सुनहरा मौका है कि वो अपनी इस जड़े उसके मूँह तो लफज एक कट निकलिया दो कट निकलिया उन्होंने सुधारन का वह है कि 550वां प्रकाश उत्सव गुरु नानक साहब का 2019 आ रहा है और उदी अपनी मिनिस्ट्री दे विच हैगा भई डेरा बाबा नानक तो करतारपुर गुरुद्वारे के अंदर जिहड़ी रावी नदी आती है उस रावी नदी के उत्ते अगर वह पुल बना देन मैं समझदा कि उन्होंने इस कदम के नाल जिहड़ी उन्हां कोलों ये गलती हुई है वो समुची कौम उन्होंने सैक्शन तो बाद उन्होंने इस गलती नूं माफ़ भी करेगी और सिर ते भी चुके। कला कला बच्चा जन्म तो जाता वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह ये गल कहनी होंगी उन्होंने ये भी नहीं पता नशे के अंदर पता नहीं क्या नशा करके बैठद वो वाहेगुरू जी का खालसा कहने की उन्होंने लड़ ना समझी वाहेगुरू जी की फतेह कहने की लड़ समझी है मतलब कि उन्होंने यही डंग टपाने जी कोशिश की है। सानू लगता भी वो मतलब कि भी धर्मां दे वास्ते जिहड़ा देश दे वास्ते वधिया सेवावां नहीं दे सकते अजे लीडर जिन्होंने इन्ना भी पता ना कोई भी शब्द बोलने तो पहला गुरबाणी कोई शब्द बोलने तो पहला उन्होंने सौबरी विचार करने की लड़ है उत्ते मतलब अंदर झकन की लड़ आ ना कि जातों में मंडियां पा के पातों में मंडियां पा के जात पात का परमात्मा ने कोई फर्क नहीं रखिया सिर्फ साड़ी सोच में फर्क आ साड़ी सोचने में फर्क आते कोई जात पात नहीं। इन्हां लोगों को समझना चाहिए कि सानू जातों पातों में वंड के सानू इधर उधर गल्लां भड़का के सिर्फ वोटा खातर किसी धर्म को क्योंकि परमात्मा एक है राम भी उही आ अल्लाह भी उही है। हाँ गलत कम 100% इन्हें गलत किया क्योंकि जोड़ा शब्द एडा बड़ा दुनिया अंदर सिख धर्म जोड़ा एडा बड़ा दुनिया अंदर सिख धर्म है वह उन्होंने नौ लैना वाजब नहीं समझा इस करके असं यदि निखेधी करते हैं सारे धर्मों का सानू सरकार का सत्ता का नशा है सरकार हैगी दबे कुचले लोगों कुचली जाते हैं पर सिख धर्म योजा ये माफ़ी देने लगे भी बड़ा दरिया दिल है पर जो कोई कताही करता उन्होंने सज़ा देने वेले भी बड़ा गुरूर रखता है। सो अपने आप दे विच पूरा प्रत्यक्ष धर्म है। सो मैं यही बेनती करदा भी घट्टो घट गलती करके गलती मनन नाल कोई इंसान छोटा नहीं हुंदा उसका वड्डा बणी नज़र आउंदा है। असीं रोस प्रगट करने चाहते हैं कि जो भी इन्हां ने धार्मिक पंक्ति पढ़ी है वह बहुत ही गलत तरीके नाल पढ़ी है जिसकी फिर एक बार बहुत कड़े शब्दों नाल निंदा करते हैं सिख संगत विच इसका भारी रोस है। मेरे हिसाब नाल जिते इन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहिब तो माफ़ी मंगनी चाहिए उत्थे सिख संगत तो ही माफ़ी मंगनी चाहिए है ता जो इन्हां दी माफ़ी दे नाल अपना होर भी कोई लोग इस तरह की गलत हरकत ना कर सके। लुधियाना से जागृति लहर के लिए सुरेंद्र अरोड़ा की रिपोर्ट।